सर हम अपनी सर किसी भी चीज़ के लिए जो एक्साइटमेंट आती है, उत्तेजना आती है सर, बाद में हम उसी चीज़ के लिए मतलब जो हो गया उस एक्साइटमेंट जो ले लिया डिसीजन, फिर पछतावा होता है सर, इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, या ये उत्तेजना कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है, इस पर थोड़ा बता दीजिए। उत्तेजना कहाँ से आती है? उत्तेजना संस्कार है, वहाँ से आती है, वहीं से उत्तेजना भी आती है, वहीं से पछतावे भी आते हैं। सर दोस्त दोस्त जैसे बोल देते हैं अरे यार ये ले लो या वो ले लो, तो सर एक एक्साइटमेंट आता है, लेकिन बाद में सर फिर हम उसके लिए अपने आप को गिल्टी फील करते हैं कि ये क्यों हो रहा है, या फिर मैं ये डिसीजन। गिल्टी भी तुम नहीं फील करते, गिल्टी भी दोस्ती फील कराते हैं। हाँ सर, तो ये ना कहीं सेल लगी है, तो पहले तो वो चार पांच औरतें आएंगी, वहाँ मिसेस वर्मा हैं, उनको उत्तेजित करेंगी, जाओ 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 जाओ, वहाँ साड़ियों की सेल लगी है, और बेचारी नहीं भी जाना चाहें तो उनके भीतर एकदम प्रेशर भर देंगी कि नहीं तुम्हें जाना ही चाहिए, तो वो भी फिर अकुला के पहुँच जाएंगी कि हमें भी कुछ ख़रीदना है, और जब ले आएंगी तो उसके बाद घर में रिश्तेदार आए तो मौसी जी को दिखाएंगी, ये देखो ये ख़रीदी हमने 1000 में, सेल लगी थी, तो मौसी जी कहेंगे हैं 1000 में लुट गई, ये तो 300 में मिलती है, गिल्टी भी वही फील करा गए। दूसरे थे जिन्होंने तुम्हें उत्तेजित किया, और दूसरे ही थे जिन्होंने तुम्हें ग्लानी भी दे दी। जो आदमी अपना मालिक होता है वो न दूसरों के उत्तेजित किए उबल जाता है, और न ही वो दूसरों द्वारा नीचा दिखाए जाने पर ग्लानी अनुभव करता है। हम तो ऐसे हैं कि गेंद किसी के हाथ ने ऊपर को उछाल दिया तो ऊपर को उछाल देते हैं, और किसी ने नीचे को फेंक दिया तो नीचे को हो जाते हैं। तुम्हारा दोस्त बैठा है बगल में, तुम कोई सवाल पूछो वो बोल दे कि क्या बात है, क्या पूछ लिया तूने, तुम बिल्कुल एकदम पर सर गेंद, अब कह रहे हैं गेंद पर, गेंद करे तो करे ही क्या जब वो दूसरे से ही चल रहा है। गेंद ये सवाल नहीं पूछती है ना, कोई गेंद ये सोच के दुखी नहीं होती कि मैं ग्लानी में क्यों हूँ। तुम दुखी हो रहे हो इससे पता चलता है कि गेंद नहीं हो तुम, तो इसलिए सवाल में पूछो कि गेंद क्या करे, तुम गेंद हो ही नहीं तो क्यों पूछ रहे हो गेंद क्या करे। तुम में कुछ ऐसा है जो गेंद में नहीं है, इसीलिए तुम दुखी होते हो। तुम दुखी इसीलिए होते हो कि ताकत तो मुझ में इतनी है, फिर मैं दूसरों के चलाए क्यों चलता हूँ, यही दुख है। जब जानते हो कि ताकत इतनी है तो होश में रहा करो ना अपनी ताकत के, क्यों दूसरों के बहकावे में आ जाते हो। बाहर से जितनी भी तुम पे प्रभाव आते हैं, हर प्रभाव तुम्हें किसी न किसी दिशा धकेलना चाहता है। तुम बेबस होकर के, बिल्कुल लाचार होकर के क्यों उसके शिकार हो जाते हो? तुम देखो, कहो कि यार ये बाहरी चीज है, ये मुझे कब्जे में लेना चाहती है, काबू करना चाहती है मुझे, मैं क्यों इसके बस में आना चाहता हूं। और कभी कहो कि हाँ आना ही चाहता हूँ, तो फिर स्वेच्छा से आओ, कहो ठीक है हम गुलाम बनना चाहते हैं, हम स्वेच्छा से गुलाम हुए तुम्हारे, वो दूसरी बात है, उस गुलामी मालकियत है, पर हमारी गुलामी तो गुलामी ही है, हमें तो पता भी नहीं होता कि हम गुलाम बन गए। कोई आता है बिल्कुल एकदम गले में पट्टा बांध देता है, हमारे कुत्ते की तरह लेके चल देता है, होता है कि नहीं होता है? कोई फिल्म देखी, कोई विज्ञापन देखा, कोई दोस्त मिल गया, कहीं बाजार में कोई चीज़ देख ली, बस हो गए गुलाम उसके। समझ में आ रही है बात? यस सर। सर अगर कोई चीज़ हमको मिल के और फिर वो हमसे खो जाती है और उसमें गलती हमारी होती है, तो फिर उस चीज़ की कमी क्यों महसूस होती है? उसकी कमी तुम्हें तभी तक लगेगी जब तक तुमने अपनी गलती से पूरी निजात नहीं पाई है। जैसे ही गलती से पूरी मुक्ति पालोगे, वैसे ही इस बात से भी मुक्ति पालोगे कि अफसोस में जीना है। जब तक तुम्हें ये अफसोस हो रहा है कि अरे मैंने बड़ी भारी गलती कर दी थी, तब तक ये पक्का मानना कि तुम उस गलती को और दोहराओगे।
अफसोस से मुक्ति और गलती से मुक्ति साथ साथ चलते हैं। जो अभी पछतावा कर रहा है, जो अभी प्रायश्चित कर रहा है, वो अभी भी गलती ही कर रहा है। गलती उसी ने छोड़ी जिसने पछताना भी छोड़ दिया। हम सोचते हैं पछताने से गलती का समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। पछताना तो गलती को और आगे बढ़ा देता है और जड़ें दे देता है। गलती बढ़ जाती है, बिल्कुल बढ़ जाती है। तुम सोचते हो कि मैं तो सही हूँ, धोखे से मुझसे कुछ गलत हो गया, आगे से नहीं करूँगा। पछताना तुम में ये भाव ला देता है कि तुम ही अपना समाधान कर लोगे, अपना उपचार कर लोगे। न पछताने का अर्थ है जान जाना कि मैं था ही ऐसा कि मुझसे भूल होती, मैंने अपनी जो हालत कर रखी थी उसमें भूल होनी पक्की थी, इसीलिए हुई। तय था कि जैसा मैं था, जैसा मेरा जीवन था, जैसी मेरी संगत थी, उसमें मुझसे ये भूल होनी ही थी, इसीलिए हुई। उस जीवन में वो भूल पक्की थी। भूल नहीं करनी है तो जीवन बदलना पड़ेगा। पछतावे में तुम कहते हो जीवन वही रहा है, भूल नहीं करूंगा, भूल धोखे से हो गई थी, जीवन वही चलता रहे, भूल नहीं करूंगा। इसीलिए पछतावा आगे की और भूलों की और गलतियों की तैयारी मात्र है। जो पछताता नहीं हो कहता है कि पछताना क्या है, ये तो एक्शन रिएक्शन था, ये तो कार्य कारण था। जैसा मैं था, मुझे गिरना ही था, मुझे फंसना ही था, मुझे फिसलना ही था, तो मुझे पूरा बदलना पड़ेगा, मुझे जीवन ही बदलना पड़ेगा। अब जीवन बदल दूंगा, भूल नहीं होगी। जैसे अभी पूछ रहे हो इसी कॉन्फिडेंस कहते हैं। चुपचाप सहज तरीके से बिना उत्तेजना के, यही कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं होता। तब फिर क्यों बार बार बोला जाता है कि कॉन्फिडेंस अपने अंदर लाओ, ये करो। जो बोलते हैं वो बेचारे खुद भुक्त भोगी हैं। क्या करो, एक कॉन्फिडेंस का करोगे क्या? कि चिड़िया चहचहा रही हैं, इनमें कॉन्फिडेंस है कोई? चहचहा रही हैं, मजे में चहचहा रही हैं। तुम सब बैठे हो अभी, तुम कोई कॉन्फिडेंस दिखा रहे हो? मैं बैठा हूँ, मैं कोई कॉन्फिडेंस दिखा रहा हूँ? बैठे हैं सहज सामान्य शांति से बात कर रहे हैं, यही कॉन्फिडेंस है असली। वो थोड़ी कॉन्फिडेंस होता है कि पाँव पटक रहे हैं और जोर दिखा रहे हैं और जोश प्रदर्शित कर रहे हैं। तुमने उसको ही कॉन्फिडेंस माना है ना? कि कोई आए नारेबाजी करे तो तुम कहते हो ये तो बड़ा कॉन्फिडेंट है। वो कॉन्फिडेंट नहीं है, वो डरा हुआ है, इसीलिए बकवास कर रहा है। जब कोई डर जाता है ना तो उत्तेजित हो जाता है। अभी मैं इधर को आ रहा था तो एक भैंस बंधी खड़ी थी, देखा? तो मैं उसके बगल से निकला तो उसे मुझे जो भी समझ में आया उसे मेरे बारे में, हाँ, जरा से मैंने उसको आंखों से इशारा दिया और भड़बड़ा के भागी। अब कोई कहे बड़ी कॉन्फिडेंट भैंस है, देखो कितनी ऊर्जा प्रदर्शित कर रही है, क्या धमधमा के भागी है। कॉन्फिडेंट नहीं, वो डर गई है। और छोटी सी बकरी भी थी उधर एक, उसके बगल से निकले, अपना ऐसे देखती रही। ये कॉन्फिडेंस है, शांत मौन। ये बकवास नहीं करता, ये चिल्लाता नहीं है। सर, हम इन सब चीज़ों को लाइफ में लंबे समय के लिए लागू नहीं कर पाते, जैसे हमें सब पता है कि ये एक्चुअली, क्योंकि लाइफ में तुम बाकी चीज़ों को बहुत लंबे समय से लागू कर रहे हो। चार दिन के लिए कैंप में आए हो, कहते हो इसको लंबे समय के लिए क्यों नहीं लागू करना चाहते हो? और 20 साल 22 साल से जो ज़िंदगी जी रहे हो वो एक झटके में ही विलीन हो जाएगी।
जिसको जितना समय देते हो, जितनी कीमत देते हो, वो उतना तुम्हारे जीवन में सम्मिलित रहेगा। कैंप को 4 दिन दोगे तो 4 दिन लायक इसका असर दिखेगा। अब यही बातें जो कैंप में हुई हैं, पढ़ना पढ़ाना, रिफ्लेक्शन लिखना, चर्चा करना, इन्हीं को तुम जीवन में और जगह दिए रहो तो ये तुम्हारे जीवन को सफाई दिए रहेंगी। भूलना नहीं कि ये 4 दिनों में तुमने क्या क्या किया और साथ ही क्या क्या नहीं किया। अब बाहर निकल करके तुम दोबारा उन्हीं चक्करों में फंस जाओ जो यहाँ तुमसे दूर थे, तो फिर तुम्हारी ज़िंदगी में वही सब वापस आ जाएगा जो हमेशा रहता है। यहाँ तुम बहुत तरह की संगति से दूर थे, अब बाहर निकलते ही दोबारा उसी में फंसोगे। यहाँ तुम टीवी से दूर थे, इंटरनेट से दूर थे, जो तुम्हारा रोज़मर्रा के धर्रे रहते हैं उनसे दूर थे, दोबारा उनमें फंसोगे तो जीवन दोबारा वैसा हो जाएगा। ऐसा जरूरी तो नहीं कि फिर से जैसे इंटरनेट से दूर ही रहें। बेटा इंटरनेट का मतलब क्या है? इंटरनेट तो पूरा एक संसार है, इंटरनेट पर तो सब कुछ है। यहाँ से जाएंगे तो फिर से हम वही, वो जब मैं बोल रहा हूँ कि इंटरनेट में फंसते हो तो मेरा मतलब ये थोड़ी है कि गूगलिंग क्यों करते हो। तुम जानते हो इंटरनेट से मेरा आशय क्या है? जी सर। तो अपने आशय के लिए तुम जाते हो इंटरनेट में और golgappe.com पे पहुँच जाओगे, फिर तुम कहोगे अरे कैम भूल गया, या तो golgappe.com पे बैठ लो या कैम पे याद कर लो।